हैरेसमेंट होगी, थोड़ा परेशान कुन हालात होंगे, इसलिए वो छोड़ के चली गई। शी इज वेरी वर्क हार्ड और बड़ी मेहनत है, इतने अरसे से करती हुई आ रही है। कि ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं, और जो पहुंच गए हैं अब उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मामला करना है कि वो भी वहां पे टिके ना, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान उनको पसंद ही नहीं है भाई, पसंद हो ना हो आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे भी, और आईसीसी के इवेंट्स में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें या तो फिर ये इवेंट्स ना कराया करें। अब तो यहां तक बातें चल रही है कि जी टीम को बुला लो इंडिया से, और वो जो ज़ैनब अब्बास का केस हुआ कि जी दुश्मनियां निकल रही है, तो भाई मेरे फिर मुझे बता दो किस सियाने ने कहा था कि इंडिया को भेजो वर्ल्ड कप में। इसके बाद याद रखिएगा आईसीसी इनके नाक में दम कर देगा। मुझसे आप लिख के ले लें, आप ये जो 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये हमारे गले में पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो आज इन्होंने हरकत किया आईसीसी कहेगा कि भाई आप कैसे ये चीज मतलब कह सकते हैं कि थ्रेट। और भूल गए क्या इंडिया की टीम जो है वो कमांडो कैप्स पहन के जब आ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया था पुलवामा अटैक के बाद, क्या क्या नहीं वहां से मामला हुआ। बात यह है कि माइट इज राइट, जिसकी ताकत है, जिसके पास पैसा है उसकी साइड ठीक है, आप दूसरी साइड से कुछ भी बात कर लें वह आप गलत हैं। आप इसका उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको यह बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो। जय हिंद दोस्तों, कल पाकिस्तान की एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है उसके कुछ 9 साल पुराने ट्वीट्स को लेकर, जिसमें वो हिंदू धर्म और सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत लैंग्वेज का यूज कर रही है। और जैसे ही ये लड़की जो कि एक पाकिस्तानी है भारत में एंटर हुई, उसके किए हुए ट्वीट्स वायरल होने लगे जो कि उसके किसी पुरानी आईडी से किए गए थे। और फिर क्या था, उसे समझ में आ गया कि ऐसा सब होने के बाद तो भारत से चुपचाप निकलने में ही भलाई है। दिल्ली के एक वेल नोन लॉयर ने साइबर कंप्लेंट भी करवा दी थी उसके खिलाफ और भर भर के गालियां पड़ रही थी उसको इस बात की वजह से। अब उसने काम ही ऐसा किया है दोस्तों, तो ज़ैनब रातों रात भारत छोड़ करके चली गई, या यूं कह लीजिए कि उसे भगा दिया गया। अब आप खुद सोचिए हिंदू धर्म के खिलाफ उसने कितना उल्टा सीधा बोला, फिर भी हमने सिर्फ साइबर कंप्लेंट की और इतना ही करके हम लोग चुप बैठ गए और वो बच के आराम से निकल गई। पर पाकिस्तानी मीडिया का तो कुछ और ही चल रहा है कि हमने उसको ऐसे तंग किया, हमने उसको वैसे तंग किया। आइए आपको दिखाते हैं उनके मीडिया के क्या रिएक्शन थे। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, ज़ैनब ने भारत छोड़ दिया है, आईसीसी ने तस्दीक कर दी है। शाहिद साहब मैं ये चाहूंगा जरा इस पे आप इसकी डिटेल दें, ये जो झूठा पूरा प्रोपेगेंडा, फिर केस भी इसके ऊपर कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया में कोई ट्वीट्स किए हैं, कुछ किया है कश्मीर इशू पर, तो ये मैटर क्या है और ये क्या सीन हुआ, ये खुद से छोड़ के गई है भारत? बहुत मायूस कुन रवैया है, अगर आज से 8-9 साल पहले कुछ ऐसी चीजें की भी थी तो उसको अब खोद के लाना और फिर मुसलसल उनको तंग करना, मेरा ख्याल है शायद खानदानी ज़राए ने, खानदानी लोगों ने कहा होगा कि आप वापस आ जाएं, इसलिए कि ये ऐसे हालात नहीं है कि आप वहाँ आप रुकें, तो हैरेसमेंट होगी, थोड़ा परेशान कुन हालात होंगे, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें आईसीसी का बड़ा रवैया अजीब हैरान कुन है, वही जो मुअद्दबाना और बहुत ही डोसाइल अप्रोच है आईसीसी की कि जी वो पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ के चली गई है, एक तो ये वो है, और दूसरे हमें वैसे भी सोशल मीडिया पे थोड़ा मोहतात रवैया रखना चाहिए। अगर 8-9 साल पहले नहीं रखा था तो एक अच्छी प्रेजेंटर को जो एक वैल्यू ऐड करती है 2019 के वर्ल्ड कप में, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, सारे में उसने एक अच्छा प्लेजेंट वो दिया, बिहेवियर अच्छा, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसका सबके साथ। लेकिन हिंदुस्तान की एक बहुत नेगेटिव इमेज जा रही है, माई सोशल मीडिया इज माई पर्सनल ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकता, कितना गलत और सही हो है तो मेरा ओपिनियन, मैं किसी पे थोप थोड़ी रहा हूं। मैं अगर समझता हूं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है और मैंने उस पर ट्वीट कर दी, मैं सही और गलत लिख भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको थोड़ा सा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए या अपने ओपिनियन का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मोहतात रवैया रखना चाहिए जब आप इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमरीका पढ़ने जा रहे हैं, तो आप वो सारे लोग आपके सोशल मीडिया की पोस्ट, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मोहतात रवैया रखना चाहिए। लेकिन एक प्रेजेंटर के साथ जो अच्छी वैल्यू ऐड करती है, प्लेजेंट, आप उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें, नहीं करना उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें, उनका पूरा एक्सपीरियंस देखें, कोई अगर प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी है आप उस पर बात करें। अगर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग किसी एक ग्रुप की तरफ, एक पार्टी की तरफ अगर मेरे कोई वो है, तो उससे मेरे वर्क पे असर नहीं पड़ना चाहिए, मुझे हरास नहीं होना चाहिए। शोएब इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? आप गौतम गंभीर के ट्वीट्स निकाल लें, बहुत सारे देख लें, वो कश्मीर को लेके क्या क्या बातें करते रहे, फिर वो आईसीसी के इवेंट्स में क्यों नजर
नजर आ रहे होते हैं। आप भूल गए क्या इंडिया की टीम जो है वो कमांडो कैप्स पहन के जब आ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया था पुलवामा अटैक के बाद, क्या क्या नहीं वहां से मामला हुए थे। बात ये है कि माइट इज राइट, जिसकी ताकत है, जिसके पास पैसा है उसकी साइड ठीक है, आप दूसरी साइड से कुछ भी बात कर ले वो आप गलत हैं, आप इसका ख्याल रखें। मैं तो सिर्फ एक ही तरीके से समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को विदे देने नहीं है, क्रिकेट टीम को देना मजबूरी करना है, और सुने क्रिकेट टीम को देना मजबूरी थी, पाकिस्तानियों को विदे देने नहीं, और जो पहुंच गए हैं अब उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मामला करना है कि वो भी वहां पे टिके ना, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान उनको पसंद ही नहीं है भाई, पसंद हो ना हो आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे भी, और आईसीसी के इवेंट्स में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें या तो फिर ये इवेंट्स ना कराया करें। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नो कमेंट्स। देखिए ये तो कोई भी हो पाकिस्तानी उसके प्रोफेशनल को फर्क पड़ रहा है तो जरूर बात करनी चाहिए। शी इज वेरी वर्क हार्ड और बड़ी मेहनत है, इतने अरसे से करती हुई आ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये बात थी तो पहले कर देते, इतने टूर्नामेंट कवर किए जैसे आपने बताया, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी पाकिस्तानी के साथ ऐसे करें, वो छोड़ के आए तो अच्छी बात नहीं। अरे वैसे, एक तरफ वैसे जो स्क्रीनशॉट्स मैंने पढ़े हैं, अगर तो वही ऐसी बात है ही नहीं उसमें। दो तरह के स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो आ रहे हैं मार्केट में ना, एक तरह तो एक स्क्रीनशॉट्स तो मुझे लगते हैं फेक है, मतलब फेक ही कर दिया गया, कोई भी ऐसी बात नहीं करता, और जो दूसरे हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। जज्बात का इजहार है क्या, रोनाल्डो जो है फुटबॉल का कितना बड़ा नाम है, वो शामी जो है उनके लिए क्या वो नहीं लिखते, बाकी बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया भर के, वो तमाम लोग जो है वो अपने जज्बात जो है मुख्य नेशन के साथ करके उसका इजहार करते हैं, कंडम भी करते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं आप कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहें, दूसरी तरफ कहते हैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी है हक और सच की बात भी नहीं कर सकता, तो आप तो दोनों तरफ से आप उसको वो कर रहे हैं ना। चले वो आ जाएगी तो पता चल जाएगा क्या सीन है, जो खानदानी जराए नहीं कहा होगा कि पता आइडिया हो जाएगा। नहीं तभी हरेस तो किया है ना, परेशान तो किया है ना, ये चीजें जो आ रही हैं वो सही तो आई हैं, हरेस किया है ये सबके सामने आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर है कामरान कोई होगा इस बात का अंदाजा कि आगे जैनब ने कंटिन्यू करना है, बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी में बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से उतनी तमाम चीजें बाहर नहीं आएंगी, ये तो आप इस पे देनी तो तैयार रहे, लेकिन हरेसमेंट है सबके सामने, विच इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ एक अच्छा इवेंट हो रहा है, उसको इवेंट को उसके तौर तरीकों के साथ ख्याल से खुश उसलूबी से पूरा होना चाहिए, इसमें आपके ग्रजेस नहीं आने चाहिए। अब तो यहां तक बातें चल रही है कि जी टीम को बुला लो इंडिया से, और वो जो जैनब अब्बास का केस हुआ कि जी दुश्मनियां निकल रही है, तो भाई मेरे फिर मुझे बता दो किस सियाने ने कहा था कि इंडिया को भेजो वर्ल्ड कप में, किसने कहा था? मतलब वाई कांट वी हैव अ क्लियर लाइन, क्लियर पॉलिसी? ये कब तक ये चलेगा भाई कि डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स? ये सब बकवास है, ये सब सिर्फ सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है भाई मेरे, लेकिन रियलिटी में अगर दम था तो कह देते, मना कर देते आईसीसी को, मना कर देते आईसीसी को कि नहीं भाई हम नहीं खेल सकते इंडिया में, खत्म कहानी, आपको कराना इंडिया में मैचेस आप करा लें, हम नहीं खेल सकते क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं देंगे, हमें तंग करेंगे, ये वीजा इशू नहीं करेंगे, ये स्टैंड लेते आप, ठीक है? और आप ये भी स्टैंड लेते हैं कि जी ये पॉलिटिकल इशू है, और अगर आपने हमारे पैसे काटने की कोशिश की, अगर हमने वर्ल्ड कप नहीं खेला, हमारे शहर को छेड़ा, तो हम आपको फिर कोर्ट ले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले जाएंगे, लेकिन कौन करेगा ये सब भाई मेरे, मुझे बताओ ना कौन करेगा? इसलिए क्योंकि नॉन प्रोफेशनल चेयरमैन आते हैं यार, जिनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स का नहीं पता, ये आज जो हरकत की है पीसीबी ने, ये इनको इससे अंदाजा होता है कि इनको कख नहीं पता प्रोटोकॉल का यार, कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं क्रिकेट के। इस तरह थोड़ी होता है कि फॉरेन सेक्रेटरी जाके मिलकर अपनी मतलब लोगों को दिखाने के लिए जी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं जी पीसीबी वाले वीजा दिलवाने के लिए और ये करने के लिए। पहली बात तो ये 10 दफा मैं बात कर चुका हूं यार, वीजा देना हर किसी भी कंट्री का प्रेरोगेटिव है, आप जबरदस्ती किसी से नहीं कह सकते, आईसीसी क्या कोई नहीं सकती किसी से, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा आईसीसी इनके नाक में दम कर देगा, मुझसे आप लिख के ले लें, आप ये जो 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये हमारे गले में पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो आज इन्होंने हरकत किया, आईसीसी कहेगा कि भाई आप कैसे ये चीज मतलब कह सकते हैं कि थ्रेट और वो है सारा टीमों को वर्ल्ड कप में। उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जो ज़ैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है, ठीक है? जाहिर पता है जो जर्नलिस्ट काम करते हैं वहां जाते हैं, रिपोर्टें देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी फील्ड में जाते हैं, होस्टिंग करती हैं, सब कुछ अपना जो शो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके थ्रू भी आईसीसी के थ्रू जाते हैं, जा भी जाते हैं, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना खत्म हो जाएंगे, वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे, उनको वो डर जाएंगे, क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं उन्होंने भी यही बात की, क्योंकि अब क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते, अगर ज़ैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। तो देखा आपने दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया के लोग और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं कि हमने ज़ैनब अब्बास के साथ कितना गलत किया, उसके ट्वीट को कंडम करने की बजाय वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग यहां तक कहना चाह रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो,
और इसी को उल्टा करके देखिए दोस्तों, अगर यही चीज भारत में कही गई होती तो क्या ये लोग सहन कर पाते? पाकिस्तान के लोग तो बाद में बोलते, पहले भारत में ही उसका जीना हराम हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई करता भी नहीं है। भारत में तो हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, एक्चुअली हमें सिखाया ही यही जाता है। अगर मैं बात करूं ज़ैनब अब्बास की, तो गलती उसकी भी नहीं है दोस्तों, वहां के एजुकेशन सिस्टम की है। वहां पर बच्चों को स्टार्टिंग से सिखा दिया जाता है कि हिंदू धर्म से नफरत करो, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, तो उनसे और क्या ही उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा सेट कर दिया गया है कि हिंदू धर्म बहुत खराब है, इसे दूर रहना चाहिए, और हमारे खिलाफ इन्हें शुरू से ही भड़का दिया जाता है। पर दोस्तों ये तो गलत बात है ना। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप YouTube पर जाकर BBC चैनल सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको हिंदू हेट इन पाकिस्तान स्कूल बुक्स मिल जाएगा। उसे रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। और अभी तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा दिया ही नहीं गया है भारत की तरफ से, और ये पूरा दिन रोते रहते हैं कि हमें वीजा ही नहीं मिला, पता नहीं है कब सुधरेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।